हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन, फिट एंड हेल्थी एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 3 ऑफ चैप्टर 10, बेसिक मैट्रिकल कंसेप्ट। और हम इस एक्टिविटी में डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन आई मेजर लेंस यूजिंग अ रूलर। जी हाँ, रूलर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हाउ वी कैन यूज़ द रूलर, रूलर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। रूलर मीन होता है स्केल, स्केल को यूज़ कर हम लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे मेज़र कर सकते हैं। देखिए, अ लाइन सेगमेंट इज़ द मेजरेबल पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू डेफिनेट एंड पॉइंट्स। देखिए, एक लाइन होती है, देखिए लाइन सेगमेंट मेन, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हो आपका और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो, क्लियर। सो देखिए, स्केल आप रखते हो जब भी, जीरो से स्टार्ट करते हैं स्केल को मेजर करते हैं, जब भी जीरो यहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट किया और यहाँ तक आपकी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, सपोज कीजिए 7। सो इस लाइन की लेंथ क्या होगी फिर, 7 सेंटीमीटर। सो इस लाइन की जो लेंथ है फिर डेफिनेट होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट भी हो रहा है। अ लाइन सेगमेंट इज अ मेजरेबल पार्ट, मेजरेबल मीन जिसको मेजर कर सकते हैं, ऑफ अ लाइन विद टू डेफिनेट एंड पॉइंट, टू डेफिनेट एंड पॉइंट हो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ओके। देखिए देखिए, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, देखिए पॉइंट ए स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी का भी हमें पता है अभी एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, स्केल है हमारे पास, आपके पास, तो इस स्केल को कैसे आप करेक्ट वे में पकड़ोगे और इसको आप इस लाइन को मेजरमेंट करोगे। देखिए, क्या ये करेक्ट है? अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें 2 से और यहाँ से 7, आप कह रहे हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं, देखिए, और कहते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इस लाइन की लेंथ हो चुकी है, बट दिस इज इनकरेक्ट। कभी भी स्केल का 2 सेंटीमीटर से यूज़ नहीं करते हैं, ये इनकरेक्ट होता है। कहाँ से यूज़ करेंगे हम? जीरो से। जी, जीरो पॉइंट था वो यहाँ पे आना चाहिए था, राइट। तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे? यस, ये ए पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए आपका? जीरो पे, जीरो पे होगा। और देखिए फिर कहाँ पे है बी पॉइंट आपका? 5 पे है। सो ए एंड बी लाइन सेगमेंट है, सो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी फिर? ए एंड बी की लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। देखिए, राइट, 5 सेंटीमीटर जो है ए एंड बी की जो है लेंथ हो चुकी है, क्लियर। सो ए पॉइंट था हमारे पास और बी पॉइंट था, क्लियर। सो हमारा ए था स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट था बी, जहाँ पे एंड हो रहा था, ठीक है। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में, सो इसकी हम लेंथ जो होती है मेजरमेंट कर सकते हैं इजिली, ओके। जीरो से स्टार्ट करना, हमने कभी भी स्केल का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो जीरो से ही स्टार्ट करना है, और जहाँ पे एंड हो रहा तो वहाँ तक क्या होती है इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, क्लियर। देखिए, स्केल से आप इरेजर की लेंथ भी मेजर कर सकते हो। देखिए देखिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? जीरो से। देखिए, इस स्केल का कहाँ से यूज़ करेंगे? जीरो से, राइट। इस टाइप का ही आपके पास स्केल होता है ना, 15, जीरो से लेके 15 तक, ओके। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? जीरो से। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है इस रेजर का, जीरो से स्टार्ट किया और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पे, क्लियर। सो इस इरेजर की लेंथ क्या आई है? 5 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पे भी आपको राइट किया गया, इज इट क्लियर नाउ? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप लेंथ मेजर कर सकते हो इजिली। देखिए, अभी आपके पास पेंसिल थी, सो पेंसिल की भी आप इजिली लेंथ थी वो फाइंड कर सकते हो, मेजर कर सकते हो पेंसिल को भी। कहाँ से स्टार्ट करोगे? जीरो से। जीरो से ही स्केल का यूज करना स्टार्ट करना हमने। देखिए, जीरो से स्टार्ट किया हमने यहाँ पे, क्लियर। और एंड कहाँ पे हो रहा है? एंड हो रहा है आपका 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे हो रहा है? 10 सेंटीमीटर। सो इस पेंसिल की लेंथ क्या हुई है? 10 सेंटीमीटर। पेंसिल की लेंथ क्या हो गई है? 10 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे पेंसिल को भी मेजरमेंट कर लिया। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हो इजिली, चाहे आपके पास कोई शेप हो उसकी पिक्चर को भी आप लेंथ सारी आप मेजरमेंट कर सकते हो उसकी भी, ओके। ये था हमारा स्केल का यूज़। आई थिंक आपको स्केल का यूज़ करना आ गया होगा। थैंक यू।